hello friends today we will discuss on electrochemical machining and electrochemical grinding say before going to this ecm and edm ecg we will recap about our previous lectures in our first three lectures we had a discussion over mechanical energy based processes like AJM, WJM, and USM, abrasive jet machining, water jet machining, and ultrasonic machining processes. In our fourth and fifth lecture, we had a discussion over electrical energy based processes like EDM and wire EDM. Today, in this lecture we will discuss over chemical and electrochemical energy based processes like ecm that is electrochemical machining and ecg electrochemical grinding before going to this there is some introduction about this non conventional machining system in which Metal is removed by electrochemical process. So, what is there in this electrochemical process? It's a non-conventional machining system, characterized by as reverse electroplating. Means it removes metal instead of adding it. Say in what happens in electroplating? In electroplating, we are adding a metal on a workpiece. Wireless, it's a reverse electroplating, means we are removing the metal from the workpiece. Normally used for mass production and for hard materials that are difficult to machine using conventional processes. normally So jahape if you if we want to have a mass production and a on hard materials. जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में डिफ़िकल्ट होता है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल जोमेट्रीज कैन बी मशीन मतलब बाहर भी आप मशीनिंग पर कर सकते हो और आपका वर्क पीस में इंटरनल सरफेस में भी आप मशीनिंग कर सकते हो सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ई सी एम नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस ई सी एम

और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस फेरडिलो लो ई प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है टू डिसिमिलर मेटल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड एनोड लॉसेस मेटल टू कैथोड एनोड जो आपका अपने आपको वर्कपीस अब हम आगे देखेंगे एनोड को वर्कपीस बनाना है और कैथोड आपका टूल होता है तो एनोड में से मान इसका मतलब वर्कपीस में से आपका मटेरियल रिमूव होता है ये जो नेक्स्ट में मेरा फिगर दिखाया है ये आपका किस हिसाब से काम करता है जैसे आपका फिगर नंबर वन है लेफ्ट हैंड साइड वाला इनिशियल स्टेज ऑफ ई मतलब आपने सेटअप लगा दिया है एक कंटेनर होता है बेसिक आप एक लेआउट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रखा हुआ है वर्क पीस है और टूल है आपने उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है नाउ आप देखो टूल का शेप कैसा है थोड़ा एक कव दिया हुआ है तो सेकंड फिगर में आपका जो राइट हैंड साइड वाला फिगर है आपका प्रोसेस हो जाने के बाद का फिगर है उसमें क्या हुआ है कि जहाँ पे भी टूल का करवेचल वाला एरिया है वहाँ से आपका मटेरियल रिमूव हुआ है और वो मटेरियल रिमूव आपका जो शेप है वो एग्जैक्टली exactly जो टूल का शेप है उस हिसाब से हुआ है सो so यहाँ पे एनोड वर्कपीस है टूल आपका कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जो वो क्या होता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूड होता है ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है आपका ई प्रोसेस का प्रोसेस पैरामीटर्स किस तरह से होते हैं तो एक तो पावर सप्लाई होता है किस कैसा होता है पावर सप्लाई उसका टाइप में तो डायरेक्ट करंट होता है मतलब डीसी करंट होता है वोल्टेज इज़ इन द रेंज ऑफ टू टू थर्टी फाइव करंट इज़ इन द रेंज ऑफ फिफ्टी टू फोर्टी थाउजेंड एम एंड करंट डेंसिटी इज पॉइंट वन पर मिलीमीटर स्क्वायर टू फाइव एम पर मिलीमीटर स्क्वायर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसका क्या कौन सा होता है तो मोस्टली एन मतलब सोडियम क्लोराइड और एन सोडियम नाइट नाइट्रोक्साइड होता है टेम्परेचर दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 20 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्लोरेट 20 लीटर्स पर मिनट पर 100 एमपियर करंट एंड प्रेशर इज़ 0.5 टू 20 बार होता है वर्किंग गैप वर्किंग गैप कितना होता है तो पॉइंट वन एम एम टू टू एम एम ओवर कट पॉइंट टू एम एम टू थ्री एम एम फीड रेट इज पॉइंट फाइव मिलीमीटर पर मिनट टू फिफ्टीन मिलीमीटर पर मिनट इलेक्ट्रोड मटेरियल कॉपर ब्रास या ब्रोंज सरफेस रफनेस इन आर ए दैट इज पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव माइक्रो मिलीमीटर ये आपका जो प्रोसेस का पैरामीटर्स होता है सब सिस्टम में क्या होता है तो पावर सप्लाई इलेक्ट्रोलाइट टूल कंट्रोल सिस्टम एंड एक मशीन होता है ये आपका मेन सब सिस्टम होता है ये एक फिगर जो मैं दिखाता हूँ ये आपका पूरा जो प्रोसेस है जो मैंने पहले जो फिगर दिया था वो सिर्फ आपका एक कंटेनर में वर्क पीस और टूल और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का दिखाया हुआ था यहाँ पे कंप्लीट लेआउट दिखाया हुआ है पंप होता है फिल्टर होता है हीट एक्सचेंजर होता है टूल वर्क पीस नीचे फिक्सर है जहाँ पे आप वर्क पीस कर हेल करते हो एक टैंक है टैंक के अंदर आपने डायोलैक्ट्रिक फ्लूड दिया हुआ है और एक वर्क पीस है उसको आपने कैथोड बनाया हुआ है और जो आपका टूल है उस सॉरी वर्क पीस है वो आपका एनोड है और टूल है वो आपका कैथोड है एनोड में से मटेरियल रिमूव होकर आपका टूल के ऊपर जाता है ये उसका एक लेआउट है मशीनिंग प्रोसेस कैसे होता है ड्यूरिंग ई सी एम देअ विल बी रिएक्शन अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड्स दैट मीन्स एट एनोड वर्क पीस एंड एट द कैथोड टूल एलोंग विद विद इन द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर एक प्रोसेस होता है रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है जो एनोड जो आपने वर्क पीस बनाया हुआ है उसमें से मटेरियल रिमूव होकर कैथोड के ऊपर जाता है फॉर एग्जाम्पल मशीनिंग ऑफ लो कार्बन स्टील विच इज़ प्राइमरी ए फेरस एलॉय मेनली कंटेनिंग आयरन सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एन एस सी एल स्टिकन इज द इलेक्ट्रोलाइट आपका अगर जो लो कार्बन स्टील वाला जो आपका जो वर्क पीस है और आपने सोडियम क्लोराइड एनएस सी एल आपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपने यूज़ किया है तो क्या होता है एन एस सी एल का डिविजन होता है एन ए प्लस प्लस एल माइनस पानी के साथ उसका रिएक्शन होता है एच प्लस और ओएच माइनस मशीनिंग प्रोसेस कैसे होता है एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द वर्क पीस एंड टूल द पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द टूल एंड नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द वर्क पीस द हाइड्रोजन आयंस विल टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एज टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस दैट इज हाइड्रोजन एट कैथोड सिमिलरली द आयरन आइटम्स विल कम आउट ऑफ द कैथोड जो आपका जो आयरन जो है वो आपका वर्क पीस में होता है और वो एनऑड आपने बनाया हुआ है तो क्या होता है एफ ई इज इक्वल टू एफ ई डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस इस तरह से आपका मशीनिंग प्रोसेस होता है विद इन द इलेक्ट्रोलाइट आयन आयरन वुड कंबाइन विद क्लोराइड हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म फेरस क्लोराइड फेरस हाइड्रोक्साइड एंड सिमिलरली सोडियम आयंस वुड कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आय टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका जो एक टैंक है उसमें दिखाया हुआ है वर्क पीस में से मटेरियल रिमूव होकर टूल में जाता है वर्क पीस में से एफ ई निकलते हैं और टूल में से आपका मटेरियल निकल के उसको वर्क पीस पर ट्रीटमेंट करता है तो एफ ई टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस एफ ई सी एल टू बनता है एन ए प्लस ओ एच माइनस एन ए ओ एच एफ ई टू प्लस प्लस टू ओ एच इज इक्वल टू एफ ई ओ एच टू इन प्रैक्टिस

जैसे मान लो आप कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं तो उसमें जो मटेरियल रिमूव होता है उसको चिप्स बोलते हैं यहाँ पे जो भी मटेरियल रिमूव होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्लज एक रगड़ा जैसा होता है जो पेस्ट पेस्ट जैसा होता है उसको हम स्लज बोलते हैं मोर ओवर देर इज नॉट कोटिंग ऑन द टूल ओनली हाइड्रोजन गैस इवोल्व एट द टूल और कैथोड तो टूल के ऊपर कोटिंग नहीं होता है लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन गैस उसमें जाता है एज द मटीरियल रिमूवल टेक प्लेस ड्यू टू एटोमिक लेवल डिसोसिएशन द मशीन सरफेस इज ऑफ एक्सलेंट सरफेस फिनिश एंड स्ट्रेस फ्री तो आपका यहाँ पे एक एडवांटेज कौन सा हुआ कि आप जो भी मटेरियल में से जो भी वर्क पीस पर आप मशीनिंग करते हैं उसमें सरफेस फिनिश आपको बहुत अच्छा मिलता है और स्ट्रेस भी मिलता है पावर सप्लाई पावर सप्लाई सप्लाई इज अवेलेबल इन द साइज अप टू सॉरी टेन थाउजेंड एम सम सर्किट्स आर अवेलेबल अप टू फोर्टी थाउजेंड एम रेंज ऑफ वोल्टेज इज टू टू थर्टी वोल्ट डीसी ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज हैज टू बी मेंटेन एंड हाई डेंसिटी इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज आर सोडियम क्लोराइड जैसे मैंने पहले बताया था सोडियम नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम फ्लोराइड सोडियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दिस आर द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस वी कैन यूज दिस सोल्यूशंस ऑन रिएक्शन प्रोड्यूसिस एन इन कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्लज बर ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हैं तो जो नीचे आप मशीनिंग के बाद में जो भी आपका स्लज मिलता है दैट इज दैट इज इनसॉल्युबल कहीं पे उसको सॉल्युबल होता नहीं है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज पंप बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस एंड वी हैव टू मेंटेन अ गैप ऑफ अबाउट 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड 30 मीटर्स पर मिनट्स दैट इज द रेट मेन फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ई सी एम आर इस इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शन क्या है इट कैरीज द करंट बिटवी टूल एंड वर्क पीस टूल एंड वर्क पीस के बीच में करंट को ले जाना है सॉरी इट रिमूव द प्रोडक्ट इट रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ मशीनिंग एंड अदर इन सोल प्रोडक्ट फॉर्म द कटिंग रिजियन इट डिसिपेट हीट प्रोड्यूस इन द ऑपरेशन ये उप, मशीनिंग ऑपरेशन के द्वारा जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो उसको निकालता है या कम करता है द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्लूड्स गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कौन होता है तो जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है नॉन टॉक्सिसिटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी एंड नॉन कॉरजिव प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए लो विस्कोसिटी एंड हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हाई वेलोसिटी फ्लो ओवर द इलेक्ट्रो सरफेस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ ई जितना भी आपका ये वेलोसिटी आपका इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होगा तो वो मटेरियल रेट के ऊपर सीधा असर करता है इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट क्राउडिंग ऑफ़ हाइड्रोजन गैस एंड डेबरिस ऑफ मशीनिंग मतलब उससे क्या होता है कि जो टूल के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस जो जमा हो जाती है वो रिमूव करता है एंड ऑल्सो जो डेबरिस डेबरिस मतलब कचरा जो आपका मशीनिंग के दौरान एरिया जो मशीनिंग का एरिया है वहाँ पे जो जो कचरा या डेबरिस होती है उसको भी वो रिमूव करता है दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टूल टूल रिक्वायरमेंट्स क्या है तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टूल फॉर ए सी एम इज गुड थर्मल कंडक्टिविटी उसका थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग इनफ टू विस्टेंड हाई प्रेशर प्रेशर विस्टेंड करे ऐसा होना चाहिए इट शुड बी इजीली मशीन मतलब आपको जो टूल बनाना है वो इजीली आप उसके ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं The most commonly used tool material are copper, brass, titanium, copper, tungsten, and stainless steel when electrolyte is made of salts of sodium and potassium. These are the most common tool material. Titanium has been found to be the most suitable tool where the electrolyte has the tendency to anodize the tool. एज इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तभी टाइटेनियम का जो टूल यूज करना हैबाउट द टूल द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ टूल मटेरियल इन ई सी एम आर इट शुड बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसका रिक्वायरमेंट क्या है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना चाहिए इट शुड बी रिजिड इनफ टू टेक अप द लोड ड्यू टू द फ्लूड प्रेशर वो एकदम रिजिड भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि वो बेंड हो जाए या टूट जाए या हिल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए इट शुड बी केमिकली इनर्ट टू बी इलेक्ट्रोलाइट केमिकली इनर्ट होना चाहिए इट शुड बी इजीली मशीनेबल टू मेक इट इन द डिजायर शेप आपको जो शेप में मशीनिंग करना है वो शेप के आप उसमें ला सको ऐसा होना चाहिए वर्क पीस जो हम एनोड बनाते हैं तो वर्क पीस शुड बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट इज ऑलमोस्ट लिमिटेड टू मेटल्स ओनली तो ये प्रोसेस आप इसीम प्रोसेस किसके ऊपर कर सकते हो जो वर्क पीस का मटेरियल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो उसके ऊपर द कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल पैरामीटर्स इंक्लूड वोल्टेज इनलेट एंड आउटलेट प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दिस इज दिस ड्यूरिंग द प्रोसेस द करंट इज डिडिंग डिपेंडेंट ऑन एबो पैरामीटर्स एंड फीडरेट ये जो मैंने एक फिगर दिखाया हुआ है जिसमें आप मशीनिंग करते जो पहले एक फिगर था सेम फिगर था मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है तो मटेरियल रिमूवल रेट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू एवलेट एफिशिएंसी ऑफ अ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस इन ईसीएम मटेरियल रिमूवल रेट टेक प्लेस ड्यू टू एटॉमिक डिसोल्यूशन ऑफ वर्क मटेरियल व्हिच इज गवर्न बाय फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस So, material removal rate is equal to m divided by Tp, where m is equal to Ia divided by Fv is equal to the mass of material resolved. I is the current, A is the atomic weight, V is the valency. What is valency? Valency means a power of atoms to combine with other. F is the कांस्टेंट उजेंड इज 96,500 कॉलम्स एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. बाय दिस वी कैन हैव ए मटेरियल रिमूवल रेट ये जो ई प्रोसेस है उसका एप्लीकेशन हम कहां कहां पे कर सकते हैं तो डाई सिंकिंग में प्रोफाइल एंड काउंटरिंग में ट्रिपनिंग में ग्राइंडिंग में ड्रिलिंग में, द्रिल्लिंग में माइक्रो मशीनिंग में और पल्स इसीएम में ये जैसे मैंने एक डाई सिंकिंग का फिगर आपको दिखाया हुआ है दूसरा है थ्री डी प्रोफाइलिंग जो है जैसे कि मान लो आपका टर्बाइन का ब्लेड हो थर्ड फिगर इज द ट्रिपनिंग या हम उसमें ट्रिपनिंग नहीं है ये ड्रिलिंग प्रोसेस है जो आप वर्क पीस के अंदर ड्रिल कर सकते हो ये जो फिगर है दैट इज ऑफ द ट्रिपनिंग Now, economics and products. The process is economical when a large number of complex identical products are to be made. ये product economical कब पड़ता है? आपको बहुत numbers उसमें से workpiece में से आपको बनाना है तभी. Large cavities are more economical on EDM and can be made in one by tenth time of EDM. EDM से आप जो बड़ा आपको जो drill करना है तो जो आप करेंगे उसके टेंथ टाइम में मान लो कि भाई ई में दस घंटा लगता है तो ई से आपको वही प्रोसेस एक घंटे में आप कर सकते हो टू मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स आर टर्बाइन कंप्रेसर ब्लेड्स एंड राइफल बैरल्स इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी अचीव्ड आर एक तो आप ई प्रोसेस करेंगे तो आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट है एक तो स्ट्रेस फ्री ग्रूस बनते हैं एनी ग्रू ज्योमेट्री आप बना सकते हो एनी कंडक्टिव मेटल कैन बी मशीन मतलब ये आप उसमें एडवांटेज ले सकते हो या लिमिटेशन भी भी ले सकते हो कि भाई यहाँ पे आप सिर्फ कंडक्टिव मेटल में ही आप इसी एम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो उसका एक्यूरेसी दैट इज पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव इंच हाई सरफेस फिनिश एंड फास्टर साइकिल टाइम दिस आर द characteristics of the ecm again advantages ecm is well suited for the machining of complex two dimensional shapes delicate parts may be made tool wear is nearly absent there is no cutting forces therefore clamping is not required except the control motion of the workpiece it can machine configuration विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट हो या बहुत डिफिकल्ट मशीनिंग करने का हो जो कन्वेंसनल प्रोसेस से आप नहीं कर सकते हो वो आप इसी में बहुत ईजीली कर सकते हो वेरी एक्यूरेट टॉलरस इज प्लस और माइनस पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर रिलेटिवली फास्ट कैन मशीन हार्डर मेटल्स देन द टूल आपका एक ये प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें टूल जो मटेरियल होता है वो डिपेंड नहीं करता है वर्कपीस के मटेरियल के ऊपर जनरली क्या होता है कि टूल का मटेरियल जो होता है वो हार्ड होता है रादर देन वर्कपीस तभी वो वर्क पीस के ऊपर मशीनिंग कर सकता है लेकिन ये एक प्रोसेस ऐसा है कि टूल का मटेरियल वर्कपीस के मटेरियल ऊपर डिपेंड नहीं रहता है वो वर्कपीस से सॉफ्ट भी हो सकता है या हार्ड भी हो सकता है एक्सट्रीमली थिन मेटल मटेरियल्स कैन बी इजीली वर्क विदाउट डिस्टोशन जैसे मान लो कि कोई थिन मटेरियल है आप उसको क्लैंपिंग करेंगे तो उसके ऊपर क्लैंपिंग जो के मार्किंग आते हैं तो उसका डिस्टोशन होता है जबकि यहाँ पे क्लैंपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सो so आप बहुत थिन मटीरियल उससे ऊपर आप मशीनिंग कर सकते हो एंड बेटर सरफेस फिनिश देट इज़ पॉइंट टू टू पॉइंट एट माइक्रोन्स उसके साथ में उसके थोड़े बहुत डिसएडवाटेज भी है सो इनिशियल टूलिंग कॉस्ट इज हाई जैसे मैंने बताया कि आपको एक दो पाँच दस पीस करना है देन दिस प्रोसेस इज नॉट सुटेबल आपको अगर मास प्रोडक्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स देन दिस प्रोसेस इज इकोनॉमिकल बाय प्रोडक्ट आर एनवायरमेंटली हार्मफुल जो स्लज जो डेब्रीज होती है दैट इज हार्मफुल टू एनवायरमेंट कॉम्प्लिकेटेड टूल डिजाइन टूल डिजाइन यहाँ पे उसका कॉम्प्लिकेटेड होता है लार्ज पावर कंजम्पसन पावर कंजम्पसन उसमें ज़्यादा होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन नॉट बी मशीन जैसे मान लो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है तभी आप उसमें ई प्रोसेस कर सकते हो कोरोजन एंड रस्ट ऑफ ई सी एम मशीन कैन बी हेजरियस बट प्रटिव मेजर्स कैन बी हेल्प इन दिस रिगार्ड सो दिस आर द ऑफ ई सी एम प्रोसेस नाउ उसके साथ में हम दूसरा एक प्रोसेस देख लेते हैं सिमिलर है लेकिन सिर्फ उसको नाम दिया है ग्राइंडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग जैसे मान लो ई में मशीनिंग होता था यानी मशीनिंग यानी रिमूवल ऑफ मटेरियल ग्राइंडिंग माने उसको आप मटेरियल रिमूव करते बट दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ द फिनिशिंग ऑफ द वर्क पीस तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ग्राइंडिंग में मटेरियल रिमूवल नहीं होता है तो उसमें भी हम थोड़ा देख लेते हैं द प्रोसेस इज सिमिलर टू ई सी एम एक्सेप्ट दैट द कैथोड इज ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ग्राइंडिंग व्हील इंस्टेड ऑफ कैथोडिक शेप टूल जैसे मान लो कि ई सी एम में क्या होता था कि आपको जो शेप में मशीनिंग करना है वही शेप में आपको उसका टूल का डिज़ाइन करना पड़ता था जबकि यहाँ पे जो टूल है दैट इज योर ग्राइंडिंग व्हील और उसमें आपको जो सिर्फ और सिर्फ ग्राइंडिंग करना है तो ग्राइंडिंग व्हील का कोई शेप उसमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है द इंसुलेटिंग एवरेजिव मटीरियल डायमंड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज सेट इन ए कंडक्टिव बॉन्डिंग मटीरियल द व्हील इज ए रोटेटिंग कैथोडिक टूल विथ एवरेजिव पार्टिकल्स ऑन इट्स पेरीफरी इलेक्ट्रोलाइट फ्लो यूजुअली NaNO3 ए इज प्रोवाइडेड फॉर ECD इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन ये मैंने उसका एक आपको फिगर बताया बनाया हुआ है कि नीचे वर्कपीस है जिसको हमने डीसी पावर दिया है और पॉजिटिव यानी एनोड दिया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील है उसको हमने नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रोलाइट हम फ्लश करते हैं तो यह ग्राइंडिंग का ऑपरेशन होता है लेकिन यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील और वर्कपीस एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं आता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग द व्हील रोटेट्स एट अ सरफेस स्पीड ऑफ 20 टू 35 फाइव मीटर्स पर सेकेंड वाइल करंट रेटिंग आर फ्रॉम 50 टू 300 हंड्रेड when a gap voltage of 4 to 40 volt is applied between the cathodic grinding wheel and the anodic workpiece a current density about 120 to 240 ampere per cm square is created the current density depends on the material being machined the gap width and the applied voltage this is about the electrochemical grinding Generally, slow feed rates produce a larger overcut, poor surface finish, and wider tolerances while excessive wheel wear occurs as a result of feed rate that is too fast. Now, as usual, question same. There are two questions that you have to reply. Question one explain ecm electrochemical machining with neat sketch with its advantages limitations and applications second is explain electrochemical grinding with sketch thank you